नमस्ते। तो आज हमारा एग्रीकल्चर का एग्रोनॉमी से एग्रोनॉमी का पांचवा चैप्टर है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जर्नल्स एंड देयर पब्लिशर्स। तो इसमें क्या है, कुछ जर्नल्स है जो पब्लिश होती है पब्लिशर के द्वारा, और उसका जो पीरियडिसिटी है, कितने दिन के अंतराल में, कितने महीने और कितने साल के अंतराल में वो पब्लिश होती है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जर्नल है जो है एग्रीकल्चरल साइंस डाइजेस्ट। तो एक जर्नल जो पब्लिश करती है, जो पब्लिशर है, वो क्या है, एग्रीकल्चर रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर कर्नल इंडिया से ये पब्लिश होती है। और जो पीरियडिकली है, क्वार्टरली होती है, मतलब क्वार्टरली मतलब एक साल में 4 बार होती है। उसी तरह एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, जो पब्लिश कौन सी करती है, द इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस IARI न्यू दिल्ली, ये भी क्वार्टरली। पीरियडिसिटी जो इसका है, ये भी क्वार्टरली है। उसी तरह हमारा जो एशियन एग्री हिस्ट्री जो है, ये तो ये हमारा किसके द्वारा, तो एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन के द्वारा उदयपुर राजस्थान से लॉन्च होता है, और ये भी क्वार्टरली लॉन्च होती है। उसी तरह हमारा जो एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी हमारा द इंडियन सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस IAR न्यू दिल्ली द्वारा क्वार्टरली रिलीज होती है। उसी तरह है ना, एलोलोपैथी जर्नल, एलोलोपैथी के बारे में, वीट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये भी क्या है, इंटरनेशनल एलोलोपैथी फाउंडेशन हरियाणा के द्वारा ये पब्लिश होती है, और ये बाई मंथली है, मतलब एक महीना में 2 बार ये पब्लिश होती है। उसी तरह कटन रिसर्च जर्नल है, जो इंडियन सोसाइटी फॉर कटन इम्प्रूवमेंट द्वारा पब्लिश होती है, ये भी हाफ ईयरली होती है, मतलब एक साल में 2 बार। तो इसी तरह बहुत सारे जर्नल है, जैसे करेंट साइंस है, तो करेंट साइंस क्या है, करेंट साइंस एसोसिएशन इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस इसको पब्लिश करती है, और ये भी हाफ ईयरली होता है। उसी तरह बात किया जाए तो करेंट एडवांसेस इन एग्रीकल्चर, तो ये भी क्या है, करेंट एडवांसेस इन एग्रीकल्चर, तो ये पब्लिश होती है द सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल्स चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर, ये भी हाफ ईयरली पब्लिश होती है। फॉरेस्ट रिसर्च एक जर्नल है, जो कि इंडियन सोसाइटी ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च हिसार द्वारा पब्लिश होती है, ये क्वार्टरली होती है। ICR न्यूज़ जो है, ICR द्वारा पब्लिश होती है क्वार्टरली। ICR रिपोर्ट जो है, वो भी ICR द्वारा पब्लिश होती है। खेती जो है एक जर्नल है, तो वो भी मैगजीन है, खेती मैगजीन है, जो भी ICR द्वारा क्वार्टरली रिलीज होती है। फल फूल जो है, ये भी ICR द्वारा पब्लिश होती है। कृषि कृषि चयनिका जो है, चयनिका, ये भी क्वार्टरली रिलीज होती है ICR द्वारा, और इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट जो है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा क्वार्टरली रिलीज होती है। उसी तरह बात करें तो इंडियन फार्मिंग का, तो ये भी इंडियन फार्मिंग जो है ICR के द्वारा जर्नल है, जो रिलीज होती है ये, और ये मंथली होती है, प्रत्येक मंथ में इसको रिलीज किया जाए। उसी तरह इंडियन हॉर्टिकल्चर जो ICR द्वारा लॉन्च होती है, और ये क्वार्टरली होती है। उसी तरह बात किया जाए तो इंडियन इंडियन फार्मर डाइजेस्ट जो है, जीवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो हिसा पंत नगर जो उत्तराखंड में है, तो वो मंथली ये रिलीज होती है, इंडियन फार्मर डाइजेस्ट। इंडियन फार्मर डाइजेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। उसी तरह एक है इंडियन कोकोनट जर्नल, तो इंडियन कोकोनट जर्नल जो है, ये पब्लिश्ड होती है किसके द्वारा, तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कोची इंडिया के द्वारा ये डेवलप होती है, और ये मंथली रिलीज होती है ये मैगजीन। उसी तरफ बात किया जाए तो हमारा इंडियन जर्नल्स ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, तो इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर जो साइंस है हमारा, तो ये डेवलप होती है, ये पब्लिश जो होती है किसके द्वारा, दीपा के द्वारा, ICR खेती अनुसंधान भवन न्यू दिल्ली के द्वारा ये पब्लिश होती है, और ये मंथली पब्लिश होती है। उसी तरह इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, ये एग्रीकल्चर रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर कर्नल इंडिया के द्वारा बाई मंथली रिलीज होती है। उसी तरह इंडियन जर्नल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री जो है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री NRCAF झांसी द्वारा हाफ ईयरली रिलीज होती है। उसी तरह इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी जो है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी IARI न्यू दिल्ली द्वारा क्वार्टरली रिलीज होती है। उसी तरह
इंडियन जर्नल ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है क्रीडा हैदराबाद द्वारा रिलीज होती है हाफ ईयरली। उसी तरह बात किया जाए तो इंडियन जर्नल ऑफ फर्टिलाइजर जो है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दिल्ली से रिलीज होती है और वह भी मंथली रिलीज होती है। उसी तरह बात किया जाए तो इंडियन जर्नल ऑफ हिल फार्मिंग जो है तो ये जो है इंडियन जर्नल ऑफ हिल फार्मर तो ये हमारा रिलीज होती है किसके द्वारा, तो ये जो हमारा रिलीज होती है तो इंडियन सोसाइटी ऑफ हिल फार्मिंग शिलोंग द्वारा, ये मेघालय में है तो ये मेघालय द्वारा ये रिलीज होती है शिलोंग से। तो ये हाफ ईयरली रिलीज होती है मतलब एक साल में दो बार। और इंडियन जर्नल ऑफ सॉइल कंजर्वेशन है ये रिलीज होती है ट्राई एनुअल मतलब साल भर में तीन बार, इंडियन एसोसिएशन ऑफ सॉइल वाटर कंजर्वेशन देहरादून के द्वारा। तो जर्नल ऑफ राइस रिसर्च जो है ये हाफ ईयरली रिलीज होती है किसके द्वारा, तो सोसाइटी ऑफ एडवांसमेंट ऑफ राइस रिसर्च के द्वारा रिलीज होती है हाफ ईयरली। जर्नल ऑफ रूट क्रॉप की बात करें तो इंडियन सोसाइटी फॉर रूट क्रॉप्स जो है पब्लिकेशन हाफ ईयरली ये भी रिलीज होती है। जर्नल ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स जो है एसोसिएशन ऑफ सॉइल्स एंड क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर इंडिया ये भी हाफ ईयरली ये भी पब्लिश होती है। उसी तरह बात किया जाती है इंडियन जर्नल ऑफ वीड, तो इंडियन जर्नल ऑफ जो वीड है जो कि घास घास के बारे में इंफॉर्मेशन देता है इंडियन जर्नल ऑफ वीड, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस द्वारा जबलपुर मध्य प्रदेश द्वारा रिलीज होती है क्वार्टरली। इंडियन जर्नल ऑफ सॉइल कंजर्वेशन जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशनिस्ट देहरादून उत्तराखंड द्वारा रिलीज होती है और ट्राई एनुअली ये रिलीज होती है। उसी तरह बात की जाए तो जर्नल ऑफ एग्रो मेट्रोलॉजी जो है एसोसिएशन ऑफ एग्रो मेट्रोलॉजिस्ट असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद AAU आनंद के द्वारा रिलीज होती है। अमूल एग्रीकल्चरल अनंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद में है जो हाफ ईयरली रिलीज करती है। उसी तरह जर्नल ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये पब्लिश किसके द्वारा होती है, फार्मिंग सिस्टम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन मोदीपुरम मेरठ में जो है उसी के द्वारा रिलीज होती है, वहाँ से रिलीज होती है, ये भी हाफ ईयरली होती है रिलीज। और जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस की बात की जाए तो इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस IARI न्यू दिल्ली द्वारा क्वार्टरली रिलीज होती है। तो उसी तरह देखेंगे हमारा बहुत सारा जो जर्नल और रिसर्च है ये हमारा जैसे यहाँ पे हो गया जर्नल ऑफ कॉटन रिसर्च डेवलपमेंट, तो कॉटन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन हिसार हरियाणा द्वारा रिलीज होती है हाफ ईयरली। जर्नल ऑफ वॉल सीट की बात किया जाए रिसर्च की तो ये हमारा पब्लिश होती है इंडियन सोसाइटी ऑफ वॉल सीट रिसर्च हैदराबाद द्वारा हाफ ईयरली, ये भी रिलीज होती है। जर्नल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लांटेशन क्रॉप जो है कासारगोड में जो है ये भी ट्राई एनुअली रिलीज होती है। तो ये हमारा कुछ बुक्स हैं जो कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आने की एक दो क्वेश्चन आने की संभावना होती है और ये पूछे गए हैं प्रत्येक बार। तो ये हमें उम्मीद है कि इस जर्नल से आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा और इसको एक बार देख लेंगे ध्यान से तो याद होगा, क्योंकि सब एक एक जगह दिया है, जो क्वार्टरली है उसको क्वार्टरली दिया है, जो मंथली है मंथली, तो याद करने में बहुत ही आसानी होगी। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं अगला जो लेक्चर है वो बहुत जल्दी उसको भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू। और अगर ये जो भी मटेरियल से मैं पढ़ा रहा हूँ अगर वो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं इसे कंप्लीट करने वाला हूँ, टोटल का टोटल जो बुक्स है मैं कोशिश करूँगा, समय तो लगेंगी, तो मैं सारे वीडियो इस पर अपलोड करूँगा, उससे मुझे भी प्रॉफिट होगी और आप लोग ज़रूर से लाभ प्राप्त करेंगे।